अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिबस किचन। कैसे हैं सब? सब ठीक ठाक हैं, हर खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कौरमा। आए इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल, जिसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंने ऑनियन बारीक काट के उसका मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज मैंने लाइट ब्राउन कर लिया और लाइट ब्राउन करके मैं इसको निकाल लूँगी, ऑयल से सेपरेट कर लूँगी। और इसी ऑयल में मैं 1 टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन डाल के तो उसमें मैं चिकन को फ्राई करूँगी, लहसुन में चिकन को फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या प्रोसेस है। और ये जो मैं प्याज निकाल रही हूँ, इस प्याज को मैं टमाटर और हरी मिर्चों के साथ इसका एक पेस्ट बना लूँ, जो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। पाँच मिनट के लिए मैंने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है लहसुन के पेस्ट में। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून इस पर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून नमक, 1 स्टिक दालचीनी की ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ थोड़ा सा मैं काले मिर्च और थोड़ा सा मैं लौंग, 2-3 लौंग और 2-3 काले मिर्च ऐड करूँगी। और ज़रा सा हमें ज़ीरा, 1/2 टीस्पून आप ज़ीरा इसमें ऐड कर दें, जो ब्लैक ज़ीरा होता है वो वाला आप ऐड करें इसमें। उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगी आप 2-3 मिनट्स के लिए। इसको भून के इसमें आप वो पेस्ट ऐड करेंगी जो आपने ग्राइंड किए हैं टमाटर, लाल मिर्च सॉरी सब्ज़ मिर्च और टमाटर, और आपने जो प्याज भून के ब्राउन करके जो आपने पेस्ट तैयार किया था वो आप ऐड करेंगी। और इसको अच्छे से भूनेंगी 5 to 10 मिनट्स। आप इसको अच्छे से ढक के, ढक्कन के साथ ढक के इसको रखेंगी और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसमें शोरबा, अगर ज़्यादा चाहती हैं तो इसमें पानी बॉयल करके या नीम गर्म पानी करके इसमें ऐड करें और अपने अकॉर्डिंग शोरबा उसका तैयार करें। और आपका कौरमा, मज़ेदार कौरमा आपका रेडी है। Thank you.
قورمہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے. اب اس میں ہم لوگ میتھی ایڈ کریں گے اور پانی. اگر آپ شوربہ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ ایڈ کریں, میں تھوڑا سا شوربہ بنانا چاہوں گی. اور آپ میرے چینل کو اگر لائک کرتے ہیں, میری ریسیپیز کو, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, تھمز اپ کا بٹن دبانا ہرگز مت بھولیں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.